उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ से सीतापुर जाने वाले मार्ग पर धूल से सनी देखने को मिल रही आंधी। दरअसल मड़ियाव थाना के अंतर्गत यातायात लगातार बाधित होने के कारण सरकार द्वारा ओवर ब्रिज का निर्माण कराए जाने का निर्णय लिया गया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, जिसकी जिम्मेदारी अर्थात ठेका KCPL प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दे दिया गया, परंतु कंपनी द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्यों के दौरान मानव मानकों को ताक पर रख दिया गया है। निर्माण कार्य करने के दौरान कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों को हाईवे पर उड़ने वाली धूल नजर नहीं आ रही है। इस बात पर एक एक राहगीरों ने बोला कि धूल ही इतनी ज्यादा है कि अधिकारियों को कुछ दिख ही नहीं रहा होगा उसने यह भी बताया कि कभी कभी तो निर्माण कार्य के दौरान धूल इतनी ज्यादा चाहती है कि बाइक साइकिल व पैदल चल रहा आदमी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। और कुछ राहगीरों द्वारा इस बात भी पुष्टि की गई कि कंपनी के द्वारा कभी भी इस धूल के तूफान को रोकने के लिए पानी का छिड़काव नहीं कराया जाता है। वहीं सूखी पड़ी जमीन को दिखाकर कर्मचारी छिड़काव होने की बात को जबरन मनवाने पर आमादा नजर आ रहे हैं। क्या है? एम्प्लाई है। यहाँ पर रोड पे गर्दा है, इस बारे में क्या कहना है? रोड पर पानी छिड़का चल रहा है, छिड़काव काफी दिन से, दो तीन दिन से लगता छिड़काव नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा लग रहा कि दो तीन दिन से छिड़काव हुआ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या इस पे अभी तक क्या किया जाएगा, जो कार्रवाई होगी, मतलब जैसे की पानी टैंकर चार हम लोग, मगर ऐसा लग नहीं रहा काफी दिन से पानी पड़ा नहीं। ऐसा नहीं।